What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3 अगस्त 2020 मंडे है, सुबह के 8:12 हो रहे हैं। मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और इस महीने का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो मंथली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, क्या लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है वो देखेंगे। लास्ट वीक हमने एक फॉल्स ब्रेकआउट देखा, यानी जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना था चार दिन, उसका एक ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वो फॉल्स था। हमने RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर करके देखा था कि वहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस थे, तो वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 31 जुलाई आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,163 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,082। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही तुरंत ये नीचे आया। ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,056 ये अचीव हुआ। काफ़ी समय एक चौपी मार्केट हमें फ्राइडे को देखने को मिला, लगातार ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। हालांकि अगर ट्रेंड को देखें तो कंप्लीट ये इंट्राडे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन जो लेवल था 11,056 ये काफ़ी एक रिस्पेक्ट भरा यहाँ पर हमें एक काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। कंटिन्यू इसको 3 बार इसने पेनेट्रेट किया। यहाँ पर ये भी लेवल ब्रेक होने के बाद सेकेंड टारगेट 11,025 ये भी अचीव हुआ। तो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, और अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे US मार्केट देखे तो नास्डैक में 157 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी, और आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी 69 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि सिर्फ जापानीज इंडेक्स एशियाई बाजारों में पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, 413 पॉइंट की बढ़त है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लास्ट 1.5 वीक से वहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। सभी लंदन मार्केट हो, फ्रांस मार्केट हो या जर्मन मार्केट हो, तीनों भी लाल निशान में फ्राइडे को बंद हुए थे। डाओ फ्यूचर देखे तो अभी इस समय 55 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल निगेटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल हमें एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज वैल्यू हमें सजेस्ट कर रहा है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मंथली चार्ट में हमने ये यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था, लास्ट जो स्विंग लो और अभी का जो टॉप है निफ्टी का उसको पकड़ के। तो इसका 76.4% का ये जो लेवल है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास से ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें टर्न दिखा रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। जो हमने मार्च का ये ज़बरदस्त बियरिश कैंडलस्टिक देखा था, रेड कैंडल, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका ये जो हाई बन रहा है अभी, ये काफ़ी क्रूशल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया था। तो निफ्टी इंडेक्स ये जो मार्च के कैंडल का हाई है, यानी अराउंड 11,433 के पास ये अभी है, तो इस लेवल के आसपास ये ज़बरदस्त प्रेशर, एक हर्डल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी इंडेक्स 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है मंथली चार्ट में, तो फिर से जो स्ट्रक्चर था अपसाइड मूव का, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा, ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो अभी ये जो फॉल आया था, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकालें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और एक लेवल अगर हम इसमें ऐड कर देते 76.4, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अभी ये इस लेवल के पास इसने ऐसा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है 11,400, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और नीचे फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट अभी ये जो 20 EMA का लाइन है, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 10,800 के पास है। ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स फ्यूचर में काम कर सकते हैं, तुरंत
ये काम नहीं कर सकते, ये आगे जाके ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं तो ऊपर 11,400 का रेजिस्टेंस होगा और नीचे 10,800 के पास ये सपोर्ट का काम कर सकता है। आरएसआई को अगर कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूस ये लोअर हाइज बना रहा था और नीचे भी ये लोअर लोज बना के चल रहा था। तो अभी फर्स्ट टाइम मंथली चार्ट में यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट टाइम इसने हायर लोज बना दिए और हायर हाइज बना रहा है। तो यहाँ से संकेत मिल रहा है कि बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो अभी यहाँ पर हावी हो रहा है। तो अगर ये हायर हाइज यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से हमें और भी अपसाइड तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी मंथली चार्ट में कंटिन्यूस चार मंथ से हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट में। तो अभी यहाँ से भी एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है क्योंकि कंटिन्यूस 3 महीने यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट टेस्ट करके हो सकता है यहाँ पर ऐसे सपोर्ट टेस्ट करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो, ठीक है। तो हायर हाई जब तक ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता कम्फर्टेबली और सस्टेन नहीं करता तब तक हमें यहाँ से और भी अपसाइड ट्रेंड यहाँ से देखने में काफ़ी दिक्कत साबित हो सकती है। तो ये मंथली चार्ट का एनालिसिस है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट को देखें तो लास्ट जो स्विंग हाई लो बना था उसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो इसका ये जो 100% का लेवल आ रहा था एग्जैक्ट इसी के पास अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुलिश कैंडल के बाद यानी हायर हाईज बनने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। तो अगर ये रेड कैंडल को और एक अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है इस तरह से अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ये नीचे 100 EMA या फिर 50 EMA जो कि ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास है अराउंड 10,700 पकड़ लेते इसी के पास ये सपोर्ट एक टेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। और यहाँ से ऊपर जाते वक्त ये जो इसका हाई है 11,340 और हमने मंथली चार्ट में देखा कि लास्ट बेयरिश कैंडल का जो हाई बन रहा था वो 11,400 के पास था। तो 11,400 और 350 के पास एक रेजिस्टेंस हर्डल ये फेस कर सकता है। उसके ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन करने लगता है तो हमें यहाँ से और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये था वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो RSI जब ये 70 और 100 ये जो ओवरबॉट जोन माना जाता है इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था तब यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप ये फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट किया था और इसका जब नेक लाइन इसने ब्रेक कर दिया तो और भी हमें ने ऊपर प्राइस एक्शन में गिरावट देखने को मिली। स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाया था उसके बाद ये कंफर्मेशन मिला था जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया था और अभी ये फिर से इसने ये जो कंटिन्यूस 11,100 के पास ये कंटिन्यूस सपोर्ट टेस्ट कर रहा था ये भी इसने फ्राइडे को ब्रेक कर दिया था। तो अभी फिबोनाची एक्सटेंशन की जगह अगर ये जो लास्ट स्विंग लो और हाई है इसको पकड़ के हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट इसने 38.2% का ये जो लेवल है यहाँ पर ये अचीव कर लिया। तो 11,044 और प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो हमें 10,950 के लेवल्स जहाँ पर ये 20 EMA डेली चार्ट में 20 EMA भी ऑलमोस्ट 10,950 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट टेस्ट करता हुआ निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है। तो ऊपर जाने के लिए कंफर्टेबली अगर ये 10,340 और 11,400 को क्रॉस करता है तभी यहाँ से हमें अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग जर्नी देखने को मिल सकती है। तो यह डेली और वीकली मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट के चार्ट में वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो हमने फॉल्स ब्रेकआउट की बात की थी जो नए व्यूअर्स हैं हमारे तो ये था ऊपर कंसोलिडेशन फेज 4 दिन का इसका ये ब्रेकआउट मिला था यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला था लेकिन प्राइस एक्शन को देखें और उसके साथ RSI को कंपेयर करें तो यहाँ पर RSI लोअर हाइज बना रहा था कंटिन्यू यानी बुल्स का स्ट्रेंथ जो है ये यहाँ पर कम हो रहा था। अगर प्राइस एक्शन में ऊपर हायर हाइज बनते हैं तो नीचे RSI को भी हायर हाइज बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ से ये जो लोअर हाईज यहाँ पर जो क्रिएट कर रहा था और ऊपर ये फ्लैट नोट के साथ कारोबार कर रहा था प्राइस एक्शन में, तो यहाँ से जैसे ही इसने लोअर बैंड को ब्रेक किया तो हमें और थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला था। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो नीचे तुरंत S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, यानी 11,015 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। पास्ट में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, वो लगभग यहाँ पर फ्राइडे को ये कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसका जो ये इनिशियल लेवल है यानी लोअर लेवल, ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,994, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 10,966, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ ये ट्रेड करें तो ये आप आर्ली चार्ट में एक कैंडल्स देख सकते हैं, बोरिंग कैंडल्स बनी है। ऊपर जाते वक्त इस लेवल के पास इसने तकलीफ महसूस की है 11,108, 11,100, तो कंफर्टेबली 11,108 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये लेवल हमारा ब्रेकडाउन का लेवल काम कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले, तो अभी ये हमारा ब्रेकआउट लेवल काम कर सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,132, ये 11,129 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,144, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।